फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर रजनी वर्मा। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत स्वागत है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं स्वीट डिश, जो कि बहुत ही अच्छी बनती है। बिल्कुल अगर आप किसी मेहमान को खिलाएंगे तो कोई भी आपसे ये नहीं कह पाएगा कि आप घर की बनाई हुई है, बिल्कुल बाजार जैसी दिखती है। तो ये हम बनाते हैं। इसमें हमें ना घी चाहिए, ना कोई मेवे या ड्राई फ्रूट चाहिए। बहुत ही कम सामान में ये तैयार हो जाती है। ये है पीनट से बनाई हुई बर्फी या मिठाई आप कह सकते हैं। यहाँ भी मैंने लिए है 1.5 कटोरी के करीब मूंगफली, जिसे मैंने छील करके इसके ये जो लाल छिलके होते हैं मैंने निकाल लिए हैं। अगर आपके पास छिली छिलाई है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इसको आप हल्का सा रोस्ट करके फिर इसके छिलके आप किसी टॉवल में मसल के निकाल सकते हैं। और इसके अलावा हमने यहाँ पे लिया है मिल्क पाउडर, जो 1/2 कटोरी से थोड़ा ज्यादा है, वो आप अपने मूंगफली के अकॉर्डिंग कम ज्यादा करिएगा। काले तिल, आपके पास अगर सफेद तिल है तो आप सफेद तिल भी यूज कर सकते हैं। और जितनी आपको मूंगफली लेनी है उतनी ही आपको चीनी लेनी है। तो ये करीब 1.5 कटोरी करीब चीनी है, कम ज्यादा मीठा आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और मैंने यहाँ 2 कलर लिए हैं, रेड और ग्रीन। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इन मूंगफलियों को पीसना है मिक्सी में। और मिक्सी में पीसते समय इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा कि आप एक साथ ना पीसें, इसको थोड़ा सा पीसिए फिर बंद कर दीजिए, थोड़ा सा चलाइए फिर बंद कर दीजिए। अगर आप एक साथ इसे पीसेंगे तो इसमें से ऑयल निकल जाएगा और फिर हमारी जो मिठाई है वो अच्छी नहीं बनेगी। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखिएगा, अगर आपने इस बात का ध्यान रखा तो आपकी मिठाई जो है बहुत ही अच्छी बनेगी। तो इसे हम अब बारीक पीस लेते हैं। हमने पीस लिया है मूंगफली, अब हम यहाँ पे एक पैन चढ़ा रहे हैं, इसमें हमें डालनी है चीनी। जितनी आप चीनी लें उससे आधा आप इसमें पानी डालिए। हमें सिर्फ एक तार की चाशनी बनानी है, तो अभी हम इसको चलाएंगे और जब एक तार की चाशनी बन जाएगी तब हम इसमें जो हमने पीसा है मूंगफली वो डालेंगे। अब हम चाशनी चेक कर लेते हैं। देखिए एक तार बन चुका है। इसमें मैं थोड़ा सा वनीला एसेंस डाल रही हूँ, आप चाहें तो इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, इससे फ्लेवर अच्छा आ जाता है। अब हम इसमें जो हमने मूंगफली पीसी थी वो डालेंगे। इसको अच्छे से मिला लीजिए और अब इसमें हम डालेंगे मिल्क पाउडर। थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा और फिर चलाते रहिएगा। ताकि इसमें लम्स ना पड़े इसलिए थोड़ा थोड़ा डाल के आप चलाइएगा। इस तरह से आप इसे चलाते रहिए। ये जब हो जाएगा तब ये अपने आप पैन को छोड़ने लगेगा, इसमें से ऑयल निकलने लगेगा, तो हम इसे बंद कर देंगे। यह हमारा हो गया है, घी रिलीज कर रहा है और पैन भी छोड़ रहा है। हम इसे बंद कर देते हैं और एक थाली में निकाल लेंगे। थाली में मैंने ऑयल लगा दिया है पहले से ताकि इसमें चिपके नहीं। इस तरीके से आप इसमें निकाल लीजिए और इसे आप थोड़ी देर के लिए ठंडा करेंगे, उसके बाद इसके आगे का प्रोसीजर करेंगे। हमारा ये ठंडा हो चुका है, इसे मैंने 2 भागों में डिवाइड कर दिया है। आधा मैंने यहाँ निकाल दिया है, आधा ये है। इसमें मैं अब ये रेड कलर डालूंगी। मैंने यहाँ पे दूध उबाल के ठंडा कर लिया है रूम टेम्परेचर पे। अब इससे हम इसका एक डो तैयार करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा ताकि हमारा डो अच्छे से तैयार हो सके। इसी तरह से आप इसको हाथों से मसल मसल के, ये थोड़ा सा ऑयली सा हो जाएगा। इस तरह से हम इसका डो तैयार कर लेंगे और इसी तरीके से हम दूसरे में ग्रीन कलर डालेंगे और उसका भी इसी तरीके से डो तैयार कर लेंगे।
ये देखिए इसमें काफी ऑयल छोड़ दिया है। अब हम इसे अलग रख देंगे और ग्रीन कलर डाल के दूसरा डो तैयार करेंगे। अब इस तरीके से आप थोड़ा थोड़ा सा लेकर के इसका इस तरीके से लड्डू बना लीजिए गोल राउंड में। अब इसी तरीके से हम ये रेड कलर वाले डो को भी इसी तरह से राउंड कर लेंगे। अब हम जिसमें हमने रेड कलर किया था उसे हम तिल के ऊपर इस तरीके से कर लेंगे। अगर आप पे व्हाइट तिल है तो आप व्हाइट तिल भी ले सकते हैं। अब हम जो हमने ये ग्रीन बॉल तैयार किए थे इसको हाथों के सहारे से इस तरीके से चपटा कर लेंगे, थोड़ा फैला लेंगे इस तरीके से। और जो हमने ये तिल में लपेटा है राउंड इसको इसके बीच में रखेंगे और इसको इस पे कवर कर देंगे। इस तरीके से सारे बॉल हम तैयार करेंगे। ये देखिए इस तरीके से ये इजीली हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आती है इसे करने में। इस तरह से पूरा कवर कर दिए। इसी तरीके से हम सारे तैयार करेंगे। ये देखिए हमारे सारे बनके तैयार हो चुके हैं, लेकिन अभी इसमें एक थोड़ा सा काम और बाकी है। तो अभी हम इसे ढक करके फ्रिज में रख देंगे 5 मिनट के लिए ताकि अच्छे से सेट हो जाए। उसके बाद में बताते हैं आपको क्या करना है। तो इसे हम सेट करने के लिए फ्रिज में रखते हैं। फ्रिज में मैंने इसे 5-7 मिनट रख लिया था। अब मैं बताती हूँ आपको आगे क्या करना है। इसको हम इस तरीके से
काटेंगे, बिल्कुल नीचे तक नहीं काटिएगा, हाफ काटेंगे इस तरीके से। चाहे तो आप सिर्फ इतना ही काट के रख सकते हैं, और अगर आपको इसकी और पेटल्स खोलनी है तो थोड़ा सा और काट लेते हैं। देखिए इस तरीके से इसे हम खोल लेंगे। बहुत ही सावधानी से काटिएगा, इस तरीके से आप इसके पेटल्स खोल लीजिएगा। देखिए मैंने यहाँ पे और भी काट लिए हैं। तो हमारी ये मिठाई बनके बिल्कुल तैयार है, जिसमें हमने किसी भी ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल नहीं किया है, बहुत ही आसानी से बन जाती है पीनट्स से। तो आप भी इसे बनाइए, और आपको कैसी लगी ये बताइएगा जरूर, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिएगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए आगे दीजिए नमस्कार।